के लिए मशीनरी चाहिए ये प्रेजेंट होती है विच इंक्लूड दी राइबोसोम्स उसके बाद जो टीआरएनएज होते हैं स्पेसिफिक सो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये साइटोसोल में हो रही है सो दैट्स व्हाई इट्स अ साइटोसोलिक प्रोटीन सिंथेसिस उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे सिंगल इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड एयूजी नाउ हमने प्रोकारियोट्स में देखा था कि वहां पे तीन डिफरेंट इनिशिएशन कोडोन्स होते हैं लेकिन यहाँ पे एयूजी कोडोन होता है एज अ इनिशिएशन कोडोन एंड इनिशिएटर अमीनो एसिड जो है इट इज कॉल्ड मिथियोनिन अमीनो एसिड विच इज सेम एज इन केस ऑफ प्रोकारियोट्स नाउ यहाँ पे अब दो कंडीशन है यूकारियोट्स में

तो जितने भी राइबोसोम्स हैं ये जो सीक्वेंस में इनिशिएशन कोडोन है इससे जो ट्रांसलेशन है इसकी इनिशिएशन करते हैं राइबोसोम्स इस केस में क्या होगा कि यहाँ यूनिट है ये यहाँ पे 5 के साथ, साथ करेगा, और इस डायरेक्शन में विच इज कॉल्ड डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये एम आर एन ए को ट्रांसलेट करेगा

यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ वेरी रेयरली क्या होता है कि यहाँ पे नहीं होता होता में, और ये जो है, है, इसमें एक दिस इज डिफरेंट देन दी कोजैक सिक्वेंस यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो सकते हैं और इधर भी कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो सकते हैं एंड इन बिटवीन यहाँ पे इनिशियन कोडोन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड ए यू जी तो यहाँ पे जो इंटरनल राइबोसोम एंट्री सीक्वेंस है इसके साथ जो है, ribosome, ये यहाँ पे इंटरनल राइबोसोम एंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है और यहाँ से ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है मीन यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है तो इस केस में यहाँ पे फाइव डैश कैप प्रेजेंट हो

Now, जो में अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसलेशन प्रोसेस इनिशिएशन फैक्टर्स इंक्लूड दिए एंड इनिशिएशन फैक्टर टू जो इनिशिएशन फैक्टर टू है यहाँ पे ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है और इससे फोर्टी से फोर्टी थ्री एस सब यूनिट की फॉर्मेशन होती है अब हम देखते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है तो जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है इसमें इन्वॉल्व होता है दिस इज कॉल्ड ई स्मॉल ई स्मॉली सो यूकारी इनिशिएशन फैक्टर टू जो है ये जीटीपी के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे एक बाइंडरी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है अब यहाँ पे जो इनिशिएटर टी आर एन एस में दो डिफरेंसेस है यहाँ पे जितने भी हम इनिशिएशन फैक्टर इलोंगेशन फैक्टर या फिर रिलीज फैक्टर देखेंगे इनको ऐसे लिखते हैं यूकैरियोटिक

यहाँ पे जब भी आर की प्रोसेसिंग होती है तो स्पेसिफिकली एम आर एन ए है तो इसमें 5 कैपिंग 3 होती है। यहाँ पे जो एम आर एन ए है इसमें फाइव डैश कैप भी प्रेजेंट है और पोलियर टेल भी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी जब ट्रांसलेशन होती है तो यहाँ पे वेरियस जो है ये फैक्टर्स बाइंड करते हैं विच आर कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स और ये यहाँ पे दोनों के साथ फाइव डैश कैप

तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी नाउ यहाँ पे जो एम की चेकिंग है इसमें वेरियस जो है इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फोर एफ ये एक हेट्रो प्राइमर है और तीनों डिफरेंट है इसमें यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4g प्रेजेंट है जो कि एज अ फोल्डिंग प्रोटीन काम करता है मींस 5 डैश एंड और जो 3 डैश पॉलिए टेल है इन दोनों को ज्वाइन करता है और इनकी चेकिंग करता है तो ये एक स्केफोल्डिंग प्रोटीन है उसके बाद है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फोर ई जो 4 ई है ये यहाँ पे फाइव डैश कैप के साथ बाइन करता है और कैपिंग को चेक करता है उसके बाद यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फोर जो फोर है ये एक हेलीकेज है ये यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का इसके साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे जब एमआरएनए की फोल्डिंग होती है तो ये इसका फोल्डिंग प्रोटीन है उसके बाद जो फाइव डैश कैप है इसके साथ ये वाला प्रोटीन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फोर प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो पॉलीए टेल है इसके साथ सबसे पहले

और इस साइड जो है ये एमआरएनए को स्कैन करेगा जब तक कि जो कोजैक सीक्वेंस है इसकी इसको ये रीच नहीं कर लेता नाउ दिस इज कॉल्ड दी कोजैक सीक्वेंस इसके बीच में यहाँ पे एयूजी कोडोन है जो कि इसके यहाँ पे टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है तो जब राइबोसोमल सबिनेट यहाँ तक पहुंचेगा तो इस साइड से जो है ये ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होगी और जब ये एक बार यहां पे पहुंचेगा तो लार्ज सबिनट जो है ये भी बाइंड करेगा राइबोसोम्स का और ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेगा लेकिन जब तक एक इनिशिएशन कोडोन जो है इस पर राइबोजो का स्मॉल सब यूनिट नहीं पहुंचता तब तक लार्ज सब यूनिट भी बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसलेशन की इनिशिएशन भी नहीं होगी नाउ यहाँ पे जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर टू है ये जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है लेकिन जो जीटीपी है इसकी हाइड्रोलिसिस भी होती है फॉर दी इनिशिएशन तो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस के लिए यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर फाइव जो है और इसको इनिशिएशन फैक्टर फाइव ए भी बोला जाता है जीटीपी की हाइड्रोलिस करता है सो दैट्स दॉल्ड इट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग प्रोटीन लेकिन इसके बाद ये जो इनिशिएशन फैक्टर टू है वापस इसके साथ जीटी जो है बाइंड करता है तो इसके लिए यहाँ पे एक इनिशिएशन फैक्टर टू भी जो है ये हेल्पफुल होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर तो ये दोबारा यहाँ इनिशिएशन फैक्टर है इसके साथ दोबारा जीटीपी को बाइंड करता है तो इस तरीके से ये जो एक साइकिल है ये रिपीट होता रहता है उसके बाद हमें पता है कि जो राइबोजोमल सब यूनिट है विच इज कॉल्ड फोर्टी थ्री एस सब यूनिट ये यहाँ पे जो है एम को स्कैन करता है फॉर दिक्वेंस ये जो स्कैनिंग है इसमें यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर वन एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर वन ए ये दोनों हेल्प करते हैं उसके बाद अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो जो यूकैरियोट्स है इनमें इलोंगेशन का मैकेनिज्म जो है इट इज सेम एज इन प्रोकैरियोट्स मीन्स यहाँ पे भी जो इलोंगेशन फैक्टर सबसे पहले फैक्टर 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 उसके बाद होता है एंड ये ये तीनों जो हैं होते है, और इलोंगेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने प्रोकारोड्स में देखा था उसके बाद जो टर्मिनेशन है इसमें यहाँ पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो दो रिलीज फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर वन और जो यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर वन है ये सभी तरह के जो टर्मिनेशन कोडोन है और इस साइड पे जो ट्रांसलेशन है इसकी टर्मिनेशन होती है यहाँ पे ये टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट हो उसके बाद यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर थ्री जो है इसका रोल जो है ये अभी पूरे तरह से क्लियर नहीं है उसके बाद यहाँ पे राइबोजोम रिसाइकलिंग फैक्टर विच आर ऑल्सो कॉल्ड आर आर एफ ये जो है ये राइबोजोम को डिसोसिएट करवाते हैं फ्रॉम एम आर एन ए तो ये जो फैक्टर

एंड जो इलोंगेशन फैक्टर जी है ये दोनों जो एमआरएनए से जो है ये दोनों सब यूनिट्स को मींस जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं इनको ऐसे सेपरेट करते हैं नाउ ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है ये सेपरेटेड ही रहे दोबारा से रीअटैच ना हो सके एमआरएनए के साथ इसके लिए यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर थ्री है ये काम करता है इट प्रिवेंट द subunits of ribosomes to attach again so this is all about the protein synthesis or translation in case of eukaryotes if you have any type of query regarding this topic please ask me in comment section and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel biology on earth